टू जोर का जोड़ मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, बहुत ही मजे की सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि इंग्लैंड और बांग्लादेश वार्म अप मैच खेल रहे हैं और इंग्लैंड ने हदफ दिया है, यानी सॉरी इंडिया और बांग्लादेश मैच खेल रहे हैं और इंडिया ने बांग्लादेश को हदफ दिया है तकरीबन 182 रन्स का। और बांग्लादेश जो है वो जब मैंने देखा तो अपनी दो विकेट्स अपनी गंवा चुका था, तो अब आगे की क्या सूरत हाल है आप कमेंट्स में बताइए, मैं भी थोड़ा थोड़ा देखती हूँ। लेकिन दूसरी ही जानब अगर बात की जाए नाजिन, तो आज का हमारा ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल से टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज है। यूएस से अपना पहला मैच खेलेगा कनाडा के साथ और इसी के साथ साथ एक और मैच होगा जो कि वेस्ट इंडीज और पीएनजी के दरमियान होगा। तो क्या सूरत हाल होगी यूएसए का कल का मैच देखने से ताल्लुक रखेगा, क्योंकि यूएसए कनाडा दोनों ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ आगे खेलना है और इंडिया के साथ भी खेलना है। और यूएसए ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है उसके बाद एक फियर सा जो पाकिस्तानियों के दिमाग में बैठ गया है, और पाकिस्तान टीम कितनी फियरफुल है यूएसए को लेकर ये तो बिल्कुल ही यू नो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी टीम जो है बहुत मुतमईन होती है, बहुत पुरउम्मीद होती है, उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिनके बाद हम जो नाउमीद होते हैं हम मज़ीद नाउमीद हो जाते हैं। लेकिन होप फॉर द गुड, क्योंकि पाकिस्तान टीम यूएस से पहुंच चुकी है, वहां पर मौजूद हैं और आज का दिन वो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कल से मैचेस शुरू हैं तो यकीनन प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। नाजरीन, इसी के साथ साथ मेरे साथ क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया जहां जिस वक्त जो भी बात पूछनी हो आपके सामने बताएंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं उमर ज़ाहिर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उमर इज द यू नो पर्सन जिससे मैं अभी जस्ट मैंने वेस्ट इंडीज़ का वर्ड बोला और उमर ने मुझे उसके बारे में इतनी डिटेल्स बताई हैं कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ इस चीज़ से कि हमारे मतलब कंट्री में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इतना नॉलेज रखते हैं और आप उनको देखकर बिल्कुल भी यू नो आप ये नहीं समझ सकते कि शायद वाकई ना इतना नॉलेज होगा, क्योंकि माशाल्लाह से जो इन्होंने मुझे बातें बताई जिस तरह से बताई आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड। उमर इतनी मतलब यू नो मैं जिस तरह से आपसे इंस्पायर होती हूँ, जो आपका नॉलेज है उसके बाद आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अफगानिस्तान का मैच लास्ट जो वार्म अप मैच हुआ अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान ने जिस तरह से इतने ज्यादा रन्स के मार्जिन के साथ वो मैच अपने नाम किया है, तो अफगानिस्तान को आप इस टूर्नामेंट में कहाँ देख रहे हैं? अफगानिस्तान को बहुत अच्छी टीम देख रहा हूँ, एक मुनासिब T20 की टीम देख रहा हूँ जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स मौजूद है, चाहे वो अटैकिंग हो, चाहे वो रेसिस्टेंस हो, और चाहे रेजिलियंस हो, और चाहे उनकी बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर जगह वो अपलिफ्ट कर रहे हैं। कर्टिसी के उनका जो इनविंसिबल स्पिन अटैक है वो उनको लक्ज़री एक्स्ट्रा दे देता है। जैसे कि राशिद खान है, नूर है, और अभी एक और इमर्जिंग उनके स्पिनर आए हैं, तो मोहम्मद नाबी की जो ऑफ स्पिनर्स है तो वो एक एक्स्ट्रा जो है लक्ज़री ऐड करता है अफगानिस्तान के बॉलिंग अटैक में। अपार्ट फ्रॉम डेट फजल हक फरूकी है, फरीद है, तो बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, बैटिंग बहुत अच्छी है, रहमान उल्ला गुरबाज, और फिर इसके अलावा इब्राहिम सदरान जो इनका ओपनिंग ड्यू है वो पिछले दो सालों में अफगानिस्तान के चाहे ओडीआई फॉर्मेट हो या T20 आईज हो उस दोनों में बहुत जबरदस्त कर रहा है और फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, अपने स्टाइल से खेलते हैं और ओना वे गो जो है ओपोनेंट्स पे प्रेशर डाल देते हैं। और अगर आज की बात करें परफॉर्मेंस की तो 55 रन से आप जीते हैं। इसके अलावा आप देखें गुलबदीन नायब जो है वो आर्किटेक्ट थे इस चीज में, जिन्होंने 30 बॉलों में 69 रन स्कोर किए। गुलबदीन नायब वन ऑफ द वेटरन्स है अभी इस करंट अफगानिस्तान साइड के, जो कि काफी अरसा पाकिस्तान में रहे हैं और पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेली, अफगानिस्तान यूथ क्रिकेट क्लब होता था बहुत साल पहले 2010-11 में, वहाँ पे आते थे पाकिस्तान खेलने। इसके अलावा 2011 में नेशनल T20 कप हुआ था, उसमें पहली बार अफगानिस्तान की एक अलहदा से टीम डाली गई थी अफगान चीतास के नाम से, उसमें गुलबदीन नायब भी थे, मोहम्मद नबी भी थे, ये सारे प्लेयर्स थे। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि बड़े ही जबरदस्त प्लेयर हैं और इसमें कुछ दो राय नहीं, रोल्स इनके बड़े डिफाइंड है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो। गुलबदीन नायब एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, तगड़ा ऑलराउंडर है, हमारे पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है मेरे हिसाब से जो एग्जैक्टली हमारे पास तो शादाब है ना, इमाद वसीम अलवत्ता है। खैर जोक्स अपार्ट, अभी कोई मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई ऐसी बात करने का जिससे दिल बर्दाश्ता हुआ जाए। मैं बहुत पुरउम्मीद हूँ, बहुत ज़्यादा एक हाई पोटेंशियल के साथ जो है वो मैं आज का शो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जो है वो बहुत अच्छे से खेलेगी। और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब की उम्मीदें हैं या पूरी पाकिस्तान कौम की उम्मीदें हैं कि हमारी टीम पाकिस्तान जो है वो ये ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर आएगी, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की जब बारी आएगी तो एक यू नो एक ट्रॉफी विन की होगी तो एक दूसरी ट्रॉफी जीतने का जो जज्बा है वो कायम रहेगा। उमर अगर थोड़ा सा यूएसए के मुताबिक बात करें तो यूएसए से आपको क्या महसूस हो रहा है कि कोई ऐसा प्लेयर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा या किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साबित हो सकता है?
देखिए, यूएसए में काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, और आप ये देख ले, कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के फॉर्मर ऑलराउंडर है, जिन्होंने बहुत सुनने में आ रहा है, जिन्होंने जो है शाहिद खान अफरीदी का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। अरे तो क्या बात है। ये वो प्लेयर है जिनकी एक वर्थ रही है, चाहे वो दुनिया की किसी भी लीग हो, आईपीएल हो। कोरी एंडरसन ने बहुत सर्व किया न्यूजीलैंड को, नाउ ही स्टार्टेड टू सर्व द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये तो एक नाम है। इसके अलावा अली खान मैं आगे मेंशन कर गया था, बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर है। इसके अलावा एरन जॉन्स उनके ओपनर है, और एरन जॉन्स और उनके कप्तान मोनक पटेल, ये दोनों बहुत, इनकी जोड़ी बहुत जबरदस्त है, ओपनिंग करते हैं दोनों। और इन्होंने इकट्ठे 12 T20 आई इनिंग्स में ओपनिंग किया, 6 मरतबा 50+ किया उन्होंने। तो आप ये देखें कि इनका जो टीम है बैलेंस्ड है, और कोरी एंडरसन हो या फिर अली खान हो, ये अलार्म बेल बजा सकते हैं ओपोनेंट्स के लिए। हाय हाय, बस मतलब ये है कि अब टूर्नामेंट जो है उसका आगाज़ जैसे जैसे हो रहा है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, वो आगे बढ़ेगा, तकरीबन 9:30 तक वो मैच ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उस पर तज्जिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा मैच स्टार्ट हो जाएगा जो 7 PM के बाद है। और क्या सिचुएशंस होंगी, टॉस की क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ वो मैच खेल रहा है, तो मेरे लिए दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरह वेस्ट इंडीज़ खेल रहा होगा शाम में, और उसके बाद मॉर्निंग में यूएसए खेल रहा होगा। दोनों होस्ट कंट्रीज़ हैं और दोनों की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि दोनों का ही नाम जो है वो मेरे मुताबिक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप फोर में हम दोनों टीम्स को देख रहे हैं, क्योंकि यूएसए बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। उम्र मेरे साथ इतफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक वाइब आ रही है कि मैंने लेकिन कुछ बोला नहीं है अभी, आपने मुझे इंप्रेशन दिया, मुझे समझ आ गया है कि आप बिल्कुल उम्मीद ही करें, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यूएसए या वेस्ट इंडीज में से कोई एक टीम जो है वो लाजमी टॉप फोर में हो सकती है। देखिए, ये तो अभी टूर्नामेंट जैसा स्टार्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा, 20 टीमें हैं, और मैंने जैसे ये बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बड़ी डिवर्सिफाइड इस बार टूर्नामेंट होने जा रहा है। हाँ। और लेकिन ये बात है कि कोई जो जैसे छोटी टीम हम आम लैंग्वेज में कहते हैं, उनमें से कोई सरप्राइज दे सकता है। अभी आप ये देखें, PNG खेल रही है कल वेस्ट इंडीज से। PNG एक जहरी बात है ओशनिया रीजन में आती है, और एक छोटी टीम शुमार होती है, जहरी बात है, और 2021 में वर्ल्ड T20 खेल चुके हैं ये वैसे, और इसमें भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। इनके कप्तान असद वाला इनका नाम है, असदुल्ला वाला पूरा नाम है, उनकी बेगम भी वैसे क्रिकेटर है बाय द वे। अरे क्या बात है, उमर इसको यहीं पे होल्ड कीजिए, यहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है हाफिज इमरान, नाज़रीन आप सबकी जान। हाफिज साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया मीरा। हाफिज साहब यकीनन खैरियत से होंगे और इंतजार में होंगे कि मैच जो है वो कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक गुजर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त है। हाफिज साहब, अभी वार्म अप मैच जारी है इंडिया और बांग्लादेश का, और इंडिया ने टारगेट दिया है 182 रन्स का अपनी 5 विकेट्स गंवाते हुए, और दूसरी तरफ हम देखें तो 3 विकेट्स जो हैं वो जा चुकी हैं बांग्लादेश की, 5 ओवर्स हो चुके हैं, 21 का स्कोर कर पा रहे हैं। तो जिस तरह से बैटिंग की अगर बात की जाए, बांग्लादेश ने उन्हें कोई 200 से ज़ायद रन्स करने नहीं दिए हैं, और विकेट्स भी उनकी 5 गई हैं, और बॉलिंग की बात की जाए तो वो किसी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। तो क्या महसूस करें, जिस तरह से यूएसए ने बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश ने उसके बाद कमबैक किया है, या इंडिया की बैटिंग वीक है? देखिए, वार्म अप मैचेस हैं एक बात ये है कि, और दूसरा जिस तरह से हारा है बांग्लादेश को अमरीका के खिलाफ, हाँ, तो और ये वार्म अप मैचेस हैं। इंडिया बहरहाल एक सुपीरियर टीम है, इंडिया एक बेहतर टीम है, बांग्लादेश से बहुत बेहतर टीम है। हाँ। और जब मैचेस शुरू होंगे आपके असल वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू होंगे वार्म अप मैचेस के बाद, तो फिर ज्यादा सूरत हाल बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी कि इंडिया किस तरीके से अपने वार्म अप अपने मैचेस को देखता है, और किस तरीके से बांग्लादेश रिस्पॉन्ड करता है अपने लीग मैचेस में। अभी तो आप देखें बांग्लादेश की टीम को बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, इवन यूएसए के खिलाफ भी। Exactly. तो उनके लिए मुश्किल होंगी, मेरा ख्याल उनका जो ग्रुप है शायद ग्रुप सी में है या पता नहीं किस में है, बांग्लादेश ग्रुप सी में मुश्किल होंगी, क्योंकि उनके उनके को बहुत ज्यादा अच्छी तो हालात अच्छे नजर नहीं आते हैं। यूएसए के खिलाफ अगर आप हारते हैं तो उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इंडिया एक बेहतर टीम है, उनके पास उनके फास्ट बॉलिंग के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स को अगर आप देखते हैं तो चार स्पिनर्स को लेकर गए हुए हैं, और उनमें उन चार स्पिनर्स में से आप देखें कि जडेजा भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, अक्षर पटेल भी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। Exactly, और उनकी फास्ट बॉलिंग को देखते हैं तो वो स्पेशलिस्ट की टीम है उनकी, और वो जब मैचेस शुरू होंगे लीग मैचेस
उसको डिफरेंटली ऑपरेट करेंगे, और उन्होंने वो आधा तीतर आधा बटेर की बजाय वो जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ ज्यादा कामयाबियां हासिल उन्होंने की हैं। तो बेसिक्स उनकी यही है। 2023 के वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों ने स्पेशलिस्ट पर इनसार किया था। ये कोई आधा तीतर आधा बटेर खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलते हैं और वो परफॉर्मेंस भी उनके लिए देते हैं। मोहम्मद शामी को देख लें, विराट कोहली को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, ठीक है जी। तो ये उनके स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी अपनी टीम के लिए। आप दूसरी तरफ पर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी वर्ल्ड कप के मैचेस में जो फाइनल में जिस तरीके से परफॉर्म किया, ट्रेविस हेड ने 100 कर दिया। और अफगानिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया जब ग्लेन मैक्सवेल ने 100 कर दिया, ठीक है, उससे पहले पाकिस्तान के मैच में मिच मार्श ने और डेविड वॉर्नर ने सेंचुरियां की। वो जो स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं उनका उनका असल में तो इम्पैक्ट वही क्रिएट करते हैं। ये इंडिया जब लीग मैचेस शुरू होंगे तो वो कुछ इश्यूज के साथ जरूर आए हैं कि जैसे उनके देखेंगे बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी हार्दिक पांड्या की, बहुत अच्छी फॉर्म नहीं थी रोहित शर्मा की, ठीक है, इवन जो आईपीएल के आखिरी मैचेस थे वहां पर जडेजा की भी मेरा ख्याल है इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं रही थी। लेकिन जब बढ़ेंगे ये अपने लीग मैचेस की तरफ तो असल तो मरहला वहां पर शुरू होना है। देखिए बात यह है कि अगर वो इंडिया अच्छा नहीं भी खेलता वर्ल्ड कप में तो उनकी उनकी क्रिकेट को आप क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कर सकते। इवन ऑस्ट्रेलिया भी अगर फर्ज कर लें T20 वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेलता है तो आप उनकी क्रिकेट को उस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे जैसे पाकिस्तान की तरफ होता है। पाकिस्तान का देखिए इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में जब आप क्रिकेटर्स की इंफरादी कारकर्दगी को देखते हैं, उनकी सलाहियत को देखते हैं तो आपको एक फर्क नजर आता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं ना तो आप फिजिकल फिटनेस को देख लें, आप गेम अवेयरनेस को देख लें, आप अप्रोच को देख लें, ठीक है, आप इनकी प्लानिंग को देख लें, आप जिस तरह से पेयर में खेलते हैं ना, आप कामयाब टीमों में पेयर बनते हैं, बॉलिंग में पेयर बना होता है, बैटिंग में पेयर बना होता है, ठीक है, तो वो पेयर जो होते हैं पेयर जोड़े बनकर खेलते हैं वो अपनी टीम को लिए। मतलब आप देखें कि जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट मिलता है मोहम्मद शामी से और सिराज से, ठीक है, अगर आप बैटिंग में उधर चले जाएंगे बैटिंग में तो देखें एक एक जगह पर रोहित शर्मा एक जगह पर संभालते हैं, वो निकलते हैं तो नीचे आकर विराट कोहली संभाल देते हैं, ठीक है, वो जाते हैं तो वनडे क्रिकेट में आप देखें नीचे केएल राहुल खड़े हो जाते हैं। अब T20 क्रिकेट में उन्होंने कुछ नए क्रिकेटर्स को भी डाला है, ऋषभ पंत है, शिवम दुबे को उन्होंने डाला है। तो इस तरीके से जो सवालात सलाहियत के एतबार से पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर उठ रहे हैं ना, ये इंग्लैंड में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए कुछ ज्यादा शकूकों शुबात होते हैं कि आपकी फिजिकल फिटनेस वो नजर नहीं आती है जो दुनिया की बेहतरीन टीमों की, आपकी गेम अवेयरनेस वो नजर नहीं आती है, आपके टेक्टिकल मूव्स जो है वो नजर नहीं आते हैं जिस तरह दुनिया के दीगर अच्छे कप्तान करते हैं। तो ये वो सवालात हैं जो जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट पर बात करेंगे तो ये चीजें नजर आती हैं और यही वो पहलू हैं जिन पर बात की जाती है। तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट पर लोग क्रिटिकल ज्यादा होते हैं, तनकीदी निगाह ज्यादा रखते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बेहतर खेले, लेकिन ये जो टॉप टीम्स हैं बेसिकली तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का मजा आना है जब ये शुरू होगा सुपर एट मरहला। उससे पहले एक ग्रुप ऐसा है इस वर्ल्ड कप में जो लीग मैचेस हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि एक ग्रुप सी या ग्रुप बी जो है उसमें तीन अच्छी टीमें हैं, मतलब मेरा ख्याल श्रीलंका, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मेरा ख्याल है ये एक ग्रुप में है। नहीं, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मेरे ख्याल से उसमें नामीबिया है। एक ऐसा ग्रुप है मेरे जेहन में फौरी तौर पर नहीं आ रहा कि जिसमें ना तीन अच्छी टीमें हैं, तो उसमें से एक टीम जो है वो नुमाया टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। बाकी तमाम ग्रुप्स में से जो बाहर नजर आता है कि जो बेहतरीन टीमें हैं ना दो 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 वो चली जाएंगी सुपर एट के लिए, ठीक है, तो बाकी जो टीमें हैं उनके लिए जरा मुश्किल होगा कि वो सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। मतलब कोई बहुत ही बुरा ना खेले, क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप एक सबके सामने है कि उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई नहीं कर पाए थे ना, नेक्स्ट स्टेज पहले ही मरहले से बाहर हो गई थी। लेकिन ये T20 क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इब्तदाई तौर पर अगर आप ऑन पेपर्स देखते हैं
तो जो टॉप टीम्स हैं वो सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, ठीक है जी, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, तो ये टीमें जो है इनकी सुपर एट में चली जाएंगी। साथ में अब देखें उसके कौन सी जाती है, ग्रुप बी है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नहीं नहीं, ग्रुप बी है, देखें ओमान भी है ना ऑस्ट्रेलिया वाले। ग्रुप सी में तीन टीमें हैं, ग्रुप सी में तीन टीमें ऐसी, और उसमें तो ये जो जो ग्रुप बी का जिसका आपने जिक्र किया मीरब, इसमें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जो है ना वो ये स्टेट में क्वालिफाई करेंगी ना, इनके तो मतलब 90% से ज्यादा इम्कान आएंगे ये सुपर एट के लिए क्वालिफाई करेंगी, ठीक है। मेरा ग्रुप सी है जिसमें तीन ऐसी टीमें हैं, मतलब उसमें शायद बांग्लादेश है, बांग्लादेश है शायद, मेरा ख्याल है बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और उसमें अफगानिस्तान है या पता नहीं कौन, कुछ तीन टीमें हैं एक, ठीक है। बाकी तो असल असल तो क्रिकेट क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होना है सुपर एट को, सुपर एट मरहले से। ग्रुप डी है हाफिज साहब, जिसमें साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड और नेपाल है, ग्रुप डी है। हाँ ये तीन, सी में तीन है ना, इसमें साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है और बांग्लादेश, नेदरलैंड, बांग्लादेश, नेदरलैंड और नेपाल, बांग्लादेश, नेदरलैंड और नेपाल। अफगानिस्तान ग्रुप सी में है जिसमें न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और देखे ना, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान एक में है जी, तो यहाँ से जो है ये वेस्ट इंडीज के साथ एक टीम और क्वालिफाई करेगी। ये अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी टफ कॉल होनी है, बड़ी क्रिकेट इसमें, इस ग्रुप में बड़ी अच्छी क्रिकेट हो सकती है, ठीक है। पाकिस्तान वाले जो, पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला जो ग्रुप है, इसमें जो बड़ा मैच है बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान इंडिया का ही है। बाकी अगर पाकिस्तान किसी मैच को बड़ा बना दे तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे पता नहीं क्यों 6 जून वाला मैच जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा है हाफिज साहब। देखिए मेरी बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं खेली है पाकिस्तान ने माजी करीब में, तो उसको देखते हुए जो है वो ये लोगों के जहनों में ये ख्याल तो आता है, ये तश्वीश तो पैदा होती है ना, लोग सोचते मतलब तो देखिए ना, एक ऐसा भाव पैदा कर दिया है हमारे दिल में जो कभी सोच भी नहीं सकते थे आप, यानी पाकिस्तान टीम के लिए, जहां आपको ये सोचना है कि इंडिया और पाकिस्तान क्या स्कोर करते हैं, कौन मैन ऑफ द मैच बनता है, कौन ज्यादा विकेट लेता है, वहां आप ये इस बात का आपको डर है कि यूएसए से भी ना हार जाए कहीं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने ये एक अपना एक इमेज तो दी है ना आयरलैंड से हारने के बाद। ये एक बहस है, ये बात ठीक है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर अमेरिका से भी हार जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अगले मरहले में जाने भी मुश्किल हो सकती है, पाकिस्तान सुपर एट के लिए भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। दो विंस तो पाकिस्तान की लाजमी है, कनाडा और आयरलैंड से पाकिस्तान पहले अमेरिका से हारता है, फिर इंडिया से, खुदा ना खास्ता इंडिया से भी हार जाता है तो आप तो फंस गए। उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ अगर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अगर पहला मैच हारता है ना तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा होगा नहीं, पाकिस्तान कंफर्टेबली यूएसए के खिलाफ जीतेगा और पाकिस्तान का असल मैच जो है वो इंडिया के खिलाफ 9 जून को होगा, और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान बेहतर जगह पर फिनिश करे, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर भी वर्ल्ड कप की, फिर सुपर एट के ऊपर। हाफिज साहब, ये जो आपने कहा है ना कि बड़ा कंफर्टेबली यूएसए से पाकिस्तान जीतेगा, यकीन करें इसने जो सुकून मुझे दिया ना, यही सुकून पूरे प्लेयर्स और मैनेजमेंट को भी दिया होगा कि हाफिज साहब जो है वो यूएसए के हवाले से पुरउम्मीद। जीतना चाहिए कि अगर आप कंफर्टेबली अगेंस्ट यूएसए भी नहीं जीतेंगे तो फिर तो आप मतलब हॉट वाटर्स में है ना। एग्जैक्टली, फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप यूएसए के खिलाफ भी मतलब अल्लाह ना करे ऐसा हो कि आप आ जाए तो फिर तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान टीम के लिए, ऐसा होना नहीं चाहिए ना। बहरहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, आसानी से जीते, यूएसए के खिलाफ भी, इंडिया के खिलाफ भी, और टॉप फोर जो सुपर एट है उसमें पाकिस्तान अच्छी जगह पर क्वालिफाई करे। लेकिन अगर फर्ज कर ले पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हारता है, बाकी तीन मैचेस जीत जाता है अपने, तो फिर भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई तो कर ही जाना है ना सुपर एट के लिए। तो फिर सुपर एट में जब आप जाएंगे, फिर वहां पर वेस्ट इंडीज आप खेलने के लिए जाएंगे, चीजें एंटायरली चेंज भी हो सकती हैं, यू टर्न भी ले सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छी तरीके से क्रिकेट खेलना शुरू भी कर सकते हैं। तो इस टीम में जो एक पहलू है उसका कि ये मुश्किलात पेश है पाकिस्तान को, बहुत सारी अभी चीजों से गुजरना है और उसके बाद ही बताना है, अभी मैचेस जो है वो जैसे जैसे होंगे चीजों का अंदाजा होगा। इसी के ज्वाइन किया है खिजर ने, जो कि इस वक्त यूएसए में मौजूद है, यानी हमारे खिलाड़ियों के बिल्कुल आसपास हैं, उनकी एक एक मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं, समा टीवी के स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। खिजर, होप यू आर डूइंग वेल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप लोग सब ठीक ठाक?
अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं और हम बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें लेकर यानी हमने आपको आप वहाँ पर हैं तो हमें एक हौसला है कि आप हमारी टीम के पास हैं और उनकी सारी कारकर्दगी पर यकीनन आपकी पूरी पूरी नज़र है। तो प्लीज़ बताइए ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि टीम की अभी क्या मूवमेंट है, क्या सिचुएशन है। मौसम का हाल भी पूछ ले। जी अच्छा जी, देखें जहां तक टीम की सूरत हाल है तो टीम जिस तरह से आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर के बाद अब यूएसए पहुंची है तो कल हमने देखा कि प्लेयर्स काफी थकावट का भी शिकार थे और थकावट उनके चेहरे से दिख भी रही थी। और जब आप कंटिन्यूसली नतायज आपके हक में ना आ रहे हो और फिर आप अगले टूर्नामेंट के लिए आप आ रहे हो इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए, तो आपकी वैसे भी जो बॉडी होती है वो वैसे ही फटीग का शिकार होती है। तो दो दिन पाकिस्तान टीम आराम करेगी और कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है, हल्की फुल्की वीडियो इंटरेक्शन होंगे जो कि आईसीसी बना रही है मुख्तलिफ प्लेयर्स की प्रोफाइल पे। दो दिन के बाद पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करने जी बिल्कुल मैदान में उतरेगी। तो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स से हमारी बात हुई, वो कॉन्फिडेंट हैं, जेल हैं और हमारी फखर जमान से ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी तो वो बड़े मुतमईन हैं कि उनका कहना है कि बैट पे बॉल आ रहा है, बस उम्मीद यही की जा रही है कि वो वैसी इनिंग खेले जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ खेली थी और जिस तरह से उनका एक खास है अगेंस्ट न्यू। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इस वक्त प्रैक्टिस सेशन में कि जहां तक इतलात हैं वो ये है पाकिस्तान टीम की के दो दिन बाद प्रैक्टिस सेशन है। फिर अगर मैं मौसम की बात करूं तो डेलिस में तकरीबन यहां टेक्सास में पिछले एक से डेढ़ हफ्ते सूरत हाल जो है मौसम के एतबार से अच्छी नहीं थी। तूफान आया है, बहुत सारे जगहों को इन्होंने डैमेज किया है, तहम अब पिछले एक दिन से जो है यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में काफी डैमेज हुआ मौसम की वजह से। पाकिस्तानी जो मैच है पहला मैच आज होना है यूएसए और कनाडा का, उसको देखेंगे कि किस तरह से पिच बिहेव कर रही है, किस तरह से कितना स्कोर बन रहा है, क्योंकि ये सबके लिए इम्तिहान है। ग्राउंड तो ये पुराना है मगर जो टीमें उतर रही है सब पहली बार उतरेंगी और पाकिस्तान बगैर किसी वार्म अप के मैदान में उतरेगी। तो यहाँ पर मौसम जो है अब बेहतर है, जो बहुत ज्यादा गर्मी जो टेक्सास की गर्मी कही जाती है समर में, बारिश जो कंटिन्यूसली हुई है उसने उस गर्मी का जोर तोड़ा है, तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। वरना यहाँ जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है जो नाकाबले बर्दाश्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। पहला मैच है यहाँ पर, फिर कल परसों से पाकिस्तान टीम जो है वो ग्राउंड में एक्शन में दिखाई देगी, प्रैक्टिस सेशन होंगे, एक नया इवेंट है, नई एक जर्नी है। हाँ। और उम्मीद यही की जा रही है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगी। कल जब एयरपोर्ट पे हम मौजूद थे पाकिस्तानी प्लेयर्स आ रहे थे तो कमेंटेटर्स भी आ रहे थे, नासिर हुसैन, सुनील गावस्कर थे, हमारी सलाम दुआ हुई। हमने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान टीम को कैसा देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो आईसीसी इवेंट में बहुत अच्छा करती है। तो उनका भी तजिया यही है कि आपने उनको ये नहीं पूछा कि आपने तो टॉप फोर में पाकिस्तान का नाम लिया ही नहीं, कुछ अच्छा कर जाती है जी। आपने उनको ये नहीं पूछा कि टॉप फोर में तो आपने पाकिस्तान का नाम नहीं। देखिए अक्सर नहीं रखा जाता मगर पाकिस्तान टीम के बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते कर सकते। फाइनली तो पाकिस्तान टीम जो है वो किसी भी वक्त कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। यहाँ पर हमारे जो एक साथी रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर जिशान अहमद, उनसे भी मेरी डिस्कशन हो रही थी, वो भी बड़े उम्मीद है कि न्यूयॉर्क में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी क्योंकि सुबह के वक्त मैच है और पाकिस्तान का जो पेस अटैक है अगर वो काम कर गया। कल कुछ हम एक्सपेक्टेटर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 300 मतलब यहाँ पर T20 का ये मैच है तो अगर दो अच्छी बॉलें हो गई अगेंस्ट इंडिया तो पाकिस्तान टीम ये मैच ले जाएगी। दो अच्छी बॉलों से मुराद विराट कोहली और रोहित शर्मा ही है। तो ये पूरी सिचुएशन है। और फिर दूसरी जानिब बाबर हैं, रिजवान हैं, फखर जमान हैं, बैटिंग को लेकर इन पर बड़ी नजरें हैं सबकी। तो देखते हैं कि कैंपेन का आगाज कैसा होता है और फिर जाहिर सी बात है असल फैसला तो न्यूयॉर्क में होना है कि आया पाकिस्तान का मूड इस टूर्नामेंट में कैसा है। यूएसए के खिलाफ जाहिर सी बात है नई टीम है मगर ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जितने भी प्लेयर्स हैं
उनकी अक्सरियत इंडिया और पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के भी एक बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इंडियन काफी प्लेयर्स यूएसए की टीम का हिस्सा है, तो वो एक दूसरे की कंडीशंस, कमजोरियां, खामियां और इसे क्राउड कितना एनर्जेटिक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब यूएसए या वेस्ट इंडीज में बहुत ज्यादा क्रिकेट को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन अभी जिस तरह से एक टूर्नामेंट होस्ट किया जा रहा है T20 का, तो उस हवाले से क्राउड कितना एनर्जेटिक नजर आ रहा है? देखिए वेस्ट इंडीज में तो क्रिकेट को बड़ा फॉलो किया जाता है, वेस्ट इंडीज में एग्जैक्टली, यूएसए में मतलब इतना नहीं है, मगर यूएसए में जो है, यूएसए में मैं आपको बताता चलूं कि जो यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन हैं, जो यहाँ के मुस्तकिल रहने वाले हैं, उनको तो बताया जा रहा है, उनसे जिक्र हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं, हैरान होते हैं, अच्छा क्रिकेट, बात तो कहते हैं ये क्रिकेट है क्या, फिर उन्हें समझाना पड़ता है। तो एक तो कल्चर ये है, मगर दूसरी तरफ जो असल जो रंग डालेंगे ना इस पूरे टूर्नामेंट में, वो डालेंगे पाकिस्तानी और इंडियन, इंडियन बिल्कुल जी, वो जो है ना वो बड़े एक्साइटेड है, और मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज, इंडियन कम्युनिटीज, वो एक्साइटेड हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे भी अगर किसी को पता चलता है कि हम पाकिस्तान से आए हैं, मीडिया से आए, तो यहाँ पे भी एक सवाल जरूर हो रहा है हमसे, यार आपके पास मैच के पास पड़े हुए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। शहर में हमने मुख्तलिफ शहरों का विजिट किया है, उस तरह की कैंपेन, उस तरह की मार्केटिंग, उस तरह के पैनाफ्लैग या शहर की सड़कों पे हमें नहीं दिखाई दिए, जो कि वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट होती है कि जो एक माहौल बना हुआ होता है, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर थोड़ी बहुत मार्केटिंग हमने देखी। बिल्कुल 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 सही जी, खिजर टाइम्स स्क्वायर पर हमने तीन दो जगह मार्केटिंग देखी, इसके अलावा ग्राउंड के अतराफ आपको लगेगा, मगर ग्राउंड इतने दूर दूर है कि शहर से थोड़ा कट कर है, तो जो ग्राउंड है उनके इर्द गिर्द सजावट की गई है, T20 के पैनफ्लेक्स लगाए गए हैं, वहां पता चल रहा है कि वर्ल्ड कप है। अगर आप सड़कों से गुजरे मुख्तलिफ, हमें कुछ बसों पर मार्केटिंग दिखाई दी गई है कि जो बसेस चल रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर कुछ बसें हमें दिखी है जिसपे ICC वर्ल्ड T20 की कैंपेन है, उन बसों को सजाया गया है जो कि मुख्तलिफ टीमों को लेकर आ रही है, पाकिस्तान टीम को भी जो बस लेकर गई उस पर चैंपियंस की टीम लिखा हुआ था, तो हम भी यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान टीम चैंपियन बने, और मगर इसके लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि आपकी जो आगाज है वो ऐसा हो रहा है कि आप पिछले टूर्नामेंट से हारते हुए आ रहे हैं, मगर एक जीत अगर आपको अच्छी मिल गई तो फिर ये टीम किसी के लिए भी खतरा बन सकती है, तो यही पाकिस्तान टीम का पोटेंशियल है और यही पाकिस्तान टीम की खामी है कि वो किसी भी वक्त कोई भी नतीजा दे सकती है। बिल्कुल सही है खिजर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वहाँ से जो और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, स्पेशली ये बताया कि किस तरह से टूर्नामेंट की तैयारियां की जा रही हैं और किस किस्म के लोग वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको ये नहीं पता कि क्रिकेट होती क्या है, और कुछ ऐसे लोग जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज इंडियंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो ज़्यादा जो क्राउड होगा वो हमें इन्हीं में से देखने को मिलेगा और यही स्टेडियम की रौनक होगी। हाफिज़ साहब आप हमारे साथ ही हैं, हाफिज़ साहब आप हमें सुन रहे हैं? जी मेरे, फरमाइए। हाफिज साहब, सौरव गांगुली साहब ने, जैसे भी खिजर भी बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान टीम अपना आगाज बेहतर करती है टूर्नामेंट में आने के बाद, तो किसी भी टीम के लिए खतरा साबित हो सकती है। सौरव गांगुली ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो एक खतरनाक टीम है, आप एग्री करते हैं इससे? देखिए मैं पाकिस्तान के बारे में कोई भी अच्छी बात हो तो अच्छी लगती है, लेकिन सौरभ गांगुली ने 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बारे में जो बात की थी वो अपनी जगह पर एक हैसियत रखती है, अहमियत रखती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान खतरनाक टीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप अपनी रेपुटेशन पर क्रिकेट खेलेंगे या आपकी करंट परफॉर्मेंसेज भी किसी जगह पर कोई उसका भी हिस्सा है या नहीं है, क्या उसका भी कोई किरदार है या नहीं है, आपकी करंट परफॉर्मेंसेज जो है, आपके फिजिकल फिटनेस जो है, आपकी गेम अवेयरनेस जो है, जो आपकी अप्रोच है, किस तरीके से आप मैच को रीड कर रहे हैं, जो आपकी गेम मैच रीडिंग है, आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं, अगर इन सब चीजों में पाकिस्तान टीम लैक कर रही है, वहां पर कमी नजर आ रही है, आप अपनी स्ट्रेटजी के एतबार से देखते हैं तो अगर आपको वहां पर कमी नजर आ रही है, अगर आप अपनी एबिलिटी के एतबार से देखते हैं तो कमी नजर आ रही है, तो ये तो फिर सवाल उठते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। वो तो रोहित शर्मा ने भी पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी बात की थी, वो रोहित शर्मा ने उससे पहले भी पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात की थी। देखें कोई चीज आपके नतायज को बदल नहीं सकती है सारी, ये तो फिर इसका मतलब है कि मस्बत बात कर दी ना उन्होंने,
कोई चीज हाँ। आपके नतीजे को नहीं बदल सकती है। अगर आप किसी तरीके से लोगों के ख्याल बदल सकते हैं, गुफ्तगू बदल सकते हैं, तो वो एक ही तरीका आपके पास है कि आप नतीजे बदल कर दिखाएं। बिल्कुल सही बात है। नतीजे नहीं बदलेंगे उस वक्त तक ये सारी बातें हैं। और ये जब तक पाकिस्तान 6 तारीख का मैच खेल नहीं लेता और उसके बाद 9 तारीख के मैच की तरफ बढ़ नहीं जाता, 9 का मैच हो नहीं जाता, उस वक्त तक ये बातें होती रहनी है। और 9 का मैच जो है 9 जून का, ये तयन करेगा इस चीज का कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे इस वर्ल्ड कप में किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो सौरभ साहब ने जो कहा है वो उनकी राय है, वो एक बड़े शानदार जवाब रखते हैं क्रिकेट का, बहुत प्रेमी क्रिकेटर हैं, बहुत अग्रेसिव और बहुत क्या उसको कहते हैं आप, कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की अहलियत रखने के हामिल, और उसके लिए कोशिश करने, अपने रिसोर्सेज को वैसे तैयार करने के एतबार से हाँ। वो बड़ा बड़ा उनका बुलंद मकाम है इंडिया के क्रिकेट में भी और दुनिया क्रिकेट में भी। उनको एक बहुत शानदार खिलाड़ी इस लिहाज से माना जाता है कि वो सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे कप्तान भी थे, जो अपनी टीम में जीत का जज्बा पैदा करने, खिलाड़ियों से उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल जो है, जो उनकी पोटेंशियल है उसको हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाने और उससे परफॉर्मेंसेस लेने के हवाले से उनका उनका बड़ा बड़ा मकाम है उनका, और उन्हीं की जो टीम थी जो उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद एमएस धोनी और फिर विराट कोहली उसको आगे लेकर चले, तो वो एक लेगेसी है उनकी। और जो वो बात करते हैं वो उसमें कोई वजन जरूर होता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ये कहा है तो ये ठीक है। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की टीम ऐसी खतरनाक साबित हो और सबके खिलाफ पाकिस्तान दुनिया की जितनी भी टीमों के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में खेले बेहतर नतायज लाए। कौन चाहता नहीं है, कौन नहीं चाहता कि उसका मुल्क जो है वो नंबर वन पर आए, अच्छा परफॉर्म करे। हाफिज साहब आपका ज्यादा वक्त, मैं बहुत सारा वक्त आपका ऑलरेडी ले चुकी हूँ, लेकिन बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि बांग्लादेश और इंडिया अभी इस सिचुएशन में है कि 10 ओवर्स मुकम्मल बिल्कुल हो गए हैं और 44 का स्कोर है और 5 विकेट्स जा चुकी हैं, तो इसका मतलब कि एक चीज़ तो वाज़ह है कि इंडिया ही, यानी कि आज का मैच जो है इंडिया के ही नाम होगा, लेकिन ये है कि बांग्लादेश ने इंडिया को भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करने दिया है, मगर देखा जाए तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरे अगर उन्होंने स्कोर उनको नहीं करने दिया तो उन्होंने बांग्लादेश को भी नहीं करने दिया। 44 पर उन्होंने 10 ओवर्स में उनको रोक दिया हुआ है। हाँ, तो मतलब उन्होंने उनको भी नहीं करने दिया, तो एक 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 ये है कि ये एक टीम गेम है। हाँ। अगर उन्होंने रन उनके बल्लेबाजों ने किया तो उनके उनका फिर भी आप देखें कि वो एक अच्छे मार्जिन से तो जीत सकते हैं ना, और एक अच्छे मार्जिन से अगर जीत जाते हैं, फर्ज कर लें कि वो 100 पर आउट कर देते हैं बांग्लादेश को या उससे पहले कर देते हैं, तो एक अच्छे मार्जिन से पता है, अच्छे मार्जिन से। और ये जरूरी है कि कोई भी अगर ऐसी टीम है जो आपके मुकाबले पर उतनी ज्यादा यू नो क्रिकेट नहीं खेली उसने या इतनी ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसको एक अच्छे मार्जिन से पता है, और यकीनी तौर पर वो उसका उनको अपने एतमाद की बेहतरी के लिए, वैसे कि सिर्फ एक मैच टाइम की जरूरत होती है, जो टॉप टीम्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है अडेप्ट करने में कंडीशंस को, वो अडेप्ट कर लेते हैं, और जब असल मैचेस शुरू होते हैं तो खिलाड़ियों का जरा जोशो खरोश, उनके खेल तब्दील हो जाता है, का अंदाज जरा बदल जाता है, तो वो आपको मुख्तलिफ नजर आएंगे उस वक्त। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, आपने कीमती राय दी हमारे व्यूअर्स को, जिस तरह से तजिए के साथ उनको आगाह किया। उमर आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगी, आपकी मुस्कुराहट देखे मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि आप पूरे पुरजोश अंदाज से जो है वो अब अपना तजिया देना चाह रहे हैं। तो उमर हम बात कर रहे थे PNG की, उनका प्लेयर जो कि खुद भी क्रिकेटर है और उनकी वाइफ भी क्रिकेटर है, तो प्लीज उस चीज को कंटिन्यू कीजिए। असद वाला उनका नाम है, ठीक है, और कप्तानी कर रहे हैं PNG की, और मैंने बल्कि इनकी एक खबर भी कवर की है जिसमें मतलब इनके 1400+ रन है T20I कैरियर में। क्या तो एक कितने मैचेस हैं इनके? मैचेस तो इनके अंडर 50 आई थिंक सो, लेकिन ये है कि इन्होंने विकटें भी ली हुई है, ये ऑलराउंड पैकेज है असद वाला। इसके अलावा जो एक और प्रोमिनेंट प्लेयर है PNG का, उनका नाम है चार्लिस अमीनी, और वो इनकी जो फैमिली है ना वो खेलती आ रही है PNG के आगे, रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फिर एक और प्लेयर है, उनका नाम है, आपको अच्छा लगेगा नाम, हिरी उनका नाम है। एग्जैक्टली, मैं जानती हूँ। हाँ, तो बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं हर टीम मेरा, क्योंकि 20 टीम है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बड़े इंटरेस्टिंग करेक्टर्स है, अच्छे प्लेयर्स है, टैलेंटेड प्लेयर है इंडिविजुअल वाइज भी, तो बड़ा आपको एंटरटेन वाइज तो मुझे लग रहा है कि तरीका वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग T20I टूर्नामेंट होगा, नोवा एडिशन या IC वर्ल्ड T20 का। हाँ।
और अगर बात करें पीएनजी की प्लेयर्स की, तो इनमें पोटेंशियल ज़रूर है इंडिविजुअल वाइज। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो टेक्निकली बड़े साउंड है। ये असद वाला ही जो है आईसीसी एसोसिएट प्लेयर नॉमिनेट हो चुके हैं, और ये बड़ी बात होती है क्योंकि आप देखें इसके अलावा भी इतनी टीमें आईसीसी के एसोसिएट टीमें हैं, जैसे अर्जेंटीना वगैरह है और सारी टीमें हैं। एक प्रॉपर फेज होता है, तो पीएनजी की टीम के लिए जो एक बड़ी एक जर्नी है, इनको क्रिकेट क्रेंस भी कहा जाता है। बिल्कुल, तो एक उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। ऑल दो सेकेंड टाइम खेल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, तो हो सकता है कि ये प्लेयर्स इंस्पायरेशन बने अपने मुल्क के लिए और आने वाले जो उनके यंगस्टर्स हैं उनको इंस्पायर करें कि वो क्रिकेट के स्पोर्ट्स को परस्यू करें आगे एज अ प्रोफेशन, जो कि बहुत अच्छा है क्रिकेट के लिए भी। देखिए क्रिकेट के लिए एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि जिस तरह से हमारे पास पहले कोई बहुत ज़्यादा टीम्स नहीं होती थी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब टीम्स जो हैं ये वक्त के साथ साथ बनी हैं और इन्होंने अपने आप को बनाया है, अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर से बेहतरीन किया है, और आज ये तमाम टीम्स आमने सामने, मतलब जैसे उमर जिक्र कर रहे थे और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के ये प्लेयर्स पाकिस्तान में आकर खेलते थे, और आज वो एक अलग एक क्रिकेट टीम है और एक ऐसी टीम है कि जिनको जिनसे अगर मतलब वो अगर आपको हराती हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अपसेट हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है और उन्होंने तमाम मैचेस जिस तरह के परफॉर्म करते हैं, उनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, बेहतरीन उनके पास बॉलर्स हैं और बेहतरीन बैट्समैन हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनका सुनते हैं आप तो आपको थोड़ा सा ज़रा डर सा महसूस होता है कि ये मैदान में उतर गए हैं तो आप ज़रा खेल को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम पाकिस्तान के लिए भी ऐसे ही होपफुल है कि पाकिस्तान का जो एक मैार है क्रिकेट का, पाकिस्तान उस मैार को अपने कायम रखे और मैचेस जीते। जी, और कनाडा और यूएस ऐसा क्यों के, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि एक बात ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि ओपनर कनाडा और यूएसए का क्यों है, लोगों को लग रहा है छोटी टीम जो है ओपनर इनका हो रहा है, T20 का पहला मैच हो रहा है, तो उसकी एक वजह हो सकती है कि आईसीसी ने शायद एक एक्सपेरिमेंट किया हो, और एक वजह ये भी हो सकती है कि क्रिकेट का ये जो इन दोनों के बीच जो राइवलरी है ना इन दोनों के बीच में कनाडा और यूएसए की, बहुत पुरानी है, इवन एशेज से पुरानी है, इंडिया और पाकिस्तान राइवलरी से भी पुरानी है। इनके दरमियान फर्स्ट मैच 1844 में हुआ था, 3 रोजा मैच हुआ था जो कनाडा ने जीता था, तो एक पुरानी हिस्ट्री इन दोनों टीमों के दरमियान। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कनाडा का एक प्लेयर है, उनका नाम है कलीम सना। कलीम सना, हाँ, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है कलीम सना रहमान, पूरा उनका नाम राइट, पिंडी ओरिजिन के है, और इन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 भी खेली हुई है, रिप्रेजेंट किया हुआ है 2010 के वर्ल्ड कप में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली उन्होंने पिंडी के लिए, और इन्होंने बाबर आजम को फर्स्ट क्लास में आउट भी किया हुआ एक बार, तो ये मार्क माय वर्ड्स के बाबर आजम को फर्स्ट क्लास में आउट करने वाले वो कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो पाकिस्तान के ग्रुप में कनाडा है, और ये प्लेयर जिन्होंने बाबर आजम को उस वक्त आउट, आज वो बाबर आजम के साथ फिर आमने सामने होंगे, तो यकीनन टूर्नामेंट बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, और मैचेस अभी कुछ ही घंटों बाद शुरू हो जाएंगे और ये टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा, और दिन रात मैचेस ही मैचेस हैं, और पूरा आपका जून का महीना पाकिस्तान और इंडिया में तो शदीद गर्मी होगी, लेकिन उस गर्मी के आलम में एक एंटरटेनमेंट का पहलू जो है वो क्रिकेट होगा। तो नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उमर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे, उमर को इजाज़त दीजिए, नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।